और ये इसका क्लोज व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आजकल इसको एज अ म्यूजियम या फिर रेस्टोरेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं किंडरडाइक। देखिए कितना प्यारा घर है, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ के जो फार्मर्स थे वो ऐसे जूते पहनते थे लकड़ी के। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत और हम लोग जा रहे हैं किंडरडाइक। तो आज हम लोग जाने वाले हैं किंडरडाइक, जो कि नीदरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है, जो कि अपनी खूबसूरती और ओल्ड विंडमिल्स के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं और आज आपको दिखाता हूँ एक नीदरलैंड का प्यारा सा विलेज। तो हम लोग जा रहे हैं डेल्प से किंडरडाइक, जो कि 42 किलोमीटर का रास्ता है। तो यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे हैं और हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर 40 मिनट के अंदर। और चलिए चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ की खूबसूरती। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं किंडरडाइक में। ये जो आप लोग स्क्रीन में विलेज देख रहे हैं, यही है किंडरडाइक। तो जल्दी से गाड़ी को करते हैं पार्क और फिर हम चलते हैं किंडरडाइक की मशहूर विंडमिल्स की तरफ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं किंडरडाइक। ये है किंडरडाइक और आपको इधर की मेन चीज दिखाता हूँ, आगे बने रहिए वीडियो में। ये देखिए कितना प्यारा घर है, कितना अच्छा व्यू है इनके घर के बाहर का। तो यहाँ से 100 मीटर दूर हैं वो विंडमिल्स, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो सामने शायद दिख भी रही है यहाँ से। तो हम लोग चलते हुए जा रहे हैं विंडमिल्स की तरफ। और ये देखिए कितना प्यारा सा नीदरलैंड का फ्लैग है और बहुत ही प्यारे प्यारे घर, जो कि ये किंडरडाइक की गलियों में है। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं घर के बाहर और बहुत ही अच्छा एरिया है। वो देखो सामने से दिख रहे हैं विंडमिल्स। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पर किंडरडाइक विलेज में, और बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर लोग शाम के टाइम साइकिल पे सैर करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये देखिए आप लोग साइकिल पे सैर कर रहे हैं लोग यहाँ पर। किंडरडाइक को आप काफ़ी तरीके से घूम सकते हो। आप लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आ सकते हो, या फिर यहाँ से, जो कि आप मेरे सामने से ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से आप लोग रेंट पे बाइक ले सकते हो और बाइक से भी किंडरडाइक के विंडमिल्स को घूम सकते हो। देखिए कितने ब्यूटीफुल फूल हैं, जो कि ये घर के सामने लगे हुए हैं। नीदरलैंड की ये खासियत है कि आपको हर घर के सामने ऐसे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए मिलेंगे। और ये जो आप बोर्ड पे टीकोप लिखा हुआ देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि ये घर सेल पे है। जैसे हम लोग टूलेट लिखते हैं, ऐसे ये लोग टीकोप लिखते हैं, क्योंकि डच में इसको टीकोप बोलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे जूता देख रहे हैं, ये इधर के फार्मर्स की निशानी है। और यहाँ के जो फार्मर्स थे वो ऐसे जूते पहनते थे लकड़ी के, तो इन्होंने इसको निशानी की तरह रखा हुआ है। और ये बहुत बड़े बड़े जूते नीदरलैंड में बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हम लोग खाने लगे हैं यहाँ पर आइसक्रीम। तो हमने यहाँ से कुल्फी ली है, जो कि ऑरेंज फ्लेवर है, और चेक करते हैं कैसी है टेस्ट में। तो ये है ऑरेंज फ्लेवर कुल्फ़ी, जो कि हमें पड़ी है 1 यूरो 25 सेंट की। इसका टेस्ट भी इंडिया से काफ़ी अलग है, जो कि इतनी मीठी नहीं है और
अच्छी है टेस्ट में, बहुत अच्छी लगी हमें। तो दोस्तों ये जो आप कुल्फ़ी देख रहे हो ये है ग्रीन टी कुल्फ़ी, जो कि ग्रीन टी से बनी हुई है, और जो लोग अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहते वो ये कुल्फ़ी खा सकते हैं। तो ये एक कैनाल है जो कि विंडमिल्स के आसपास में बनी हुई है, और वो मेरे सामने आप लोग देख सकते हो वो है विंडमिल्स, और ये एक फेरी है जिससे कि आप लोग रेंट करके आप लोग इस लेक में घूम सकते हो और विंडमिल का अच्छा व्यू कैप्चर कर सकते हो। ये जो कैनाल है ये विंडमिल के चारों तरफ है, और आप लोग रेंट पे फेरी लेकर आप लोग इसके चारों तरफ घूम सकते हो। ये देखो कहाँ पे चढ़ा हुआ है छोटा बाबू। तो ये देखिए एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है विंडमिल का, और इनकी वजह से ही इस विलेज का नाम है। तो जैसे मैंने पहले आपको शूज़ दिखाए थे, और वैसे ही वुडन शूज़ यहाँ पर भी रखे हुए हैं, और इन पे लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं अपनी। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको दिखाए थे मॉडर्न विंडमिल्स, तो इस बार आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है ओल्ड विंडमिल्स, और इससे भी बिजली को प्रोड्यूस किया जाता था, बट आज के टाइम पर ये एज अ टूरिस्ट प्लेस रह चुकी है। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, साल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ पर घूमने। ये कैनाल की वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है, और वो सामने जो आपको दिख रहे हैं ये हैं विंडमिल्स, और लोग यहाँ पर जो ये सड़कें दिख रही हैं यहाँ पर शाम के टाइम पर साइकिल से सैर करते हैं, कुछ लोग पैदल सैर करते हैं, और टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ विंडमिल के अच्छे अच्छे व्यूज़। तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यू जो आप लोग देख रहे हो, ये जो विंडमिल्स हैं ये 18th सेंचुरी में बनाए गए थे। तो ये है ओल्ड विंडमिल, इससे बिजली को प्रोड्यूस किया जाता था, और ये इसका क्लोज व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आजकल इसको एज अ म्यूज़ियम या फिर रेस्टोरेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ से, और उम्मीद है आप लोगों को किंडरडाइक विलेज अच्छा लगा होगा और यहाँ के विंडमिल्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो नीदरलैंड आने का तो यहाँ पर ज़रूर आना, ये बहुत ही अच्छी प्लेस है, और ये नीदरलैंड की टॉप 10 प्लेसेस में से आती है। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं विंडमिल से, और ये रोड क्रॉस करके एक रिवर जाती है जो कि है राइन रिवर, और ये काफ़ी कंट्रियों से होती हुई नीदरलैंड में एंटर करती है। तो आपको इसका भी व्यू दिखाता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर राइन रिवर के पास, और ये राइन रिवर है जो कि काफ़ी कंट्रियों से होती हुई यहाँ पर नीदरलैंड में एंटर करती है, और ये आपको आसपास के गांव भी दिख रहे हैं, और ये शिप जाती हुई दिख रही है, और इस वक्त हम खड़े हैं किंडरडाइक में। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया किंडरडाइक विलेज, उम्मीद है आप लोगों को विलेज बहुत पसंद आया होगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कैसा लगा आपको किंडरडाइक और यहाँ के विंडमिल्स, कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसे लगे आपको।